के बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे तो आई ट्राई टू टेल यू माई परस्पेक्टिव एन इट कम्स टू क्या ए आई जो है वो जॉब्स खा जाएगा आई आई थिंक सभी को इसका जवाब पता है इट्स येस yes, पर कैसे आप उसको इंप्रोवाइज कर सकते हो हम उसी पर डिस्कशन करेंगे सो लेट्स गेट ड आई होप यू गै डूंग गुड एंड वेलकम बैक टू दिस एपिसोड अगर आप ये वीडियो को स्टूडेंट खबरी पे देख रहे हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड चैनल विद ऑफ एम बी ए विदार्शिका जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एम बी ए की एंड टॉक अबाउट क्या ए आई रिप्लेस कर देगा जॉब्स को तो सबसे पहली चीज चैट जीपी टी का नाम तो आई थिंक सब ने सुना हैर्क फॉर योर ई मेल वर्क एंड बहुत सारी चीजें बट न्यू जो चैट फोर जी पी सॉरी जी पी टी फोर चैट बॉर्ड के नाम से आया है इसका यह कहना है कि अराउंड ऑलमोस्ट बीस जो जॉब्स प्रोफाइल्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा जो जॉब्स हैं वो डेटा एंट्री की हो सकती हैं डेटा एंट्री क्लर्क की हो सकती हैं पैरा लीगल की होती है कॉपी राइटर की होती है प्रूफ रीडर की होती है ट्रैवल एजेंट्स की होती है तो जी पी टी फोर जो है वो मोस्ट कैपेबल एंड मोस्ट अलाइंड विद दैट ह्यूमन वैल्यूज वाला यू नो ए आई है एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं व्हाट इज एआई मैं इन शॉर्ट समझाती हूँ बनाया तो हम ह्यूमंस नहीं हैं हमने मशीन को इतना ट्रेन कर दिया है इतना फीड कर दिया है कि उसको हमारी ज़रूरत नहीं है वो अपना दिमाग खुद चला सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे आई थिंग लोड ऑफ यू माइट नो दैट यू नो द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिफाइंस ए इट्स इन शॉर्ट एक मशीन आपने बनाई उसमें लेट्स आपके दिमाग में डेटा है आपने कई सारा डेटा फीड कर दिया और वो डेटा से वो सीख सीख के खुद इतना स्ट्रांग बन गया कि उसको यू you नो know, जो दिमाग है ना वो इंसान से भी तेज़ चलने लगा दैट इज द रीज़न आपने देखा कई सारी जॉब्स को वो रिप्लेस कर सकता है राइट ए आई इज इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस टू द मशीन्स दैट मशीन्स ऑपरेट लाइक ह्यूमन बींग्स इवन मोर देन बेटर देन ह्यूमन बींग्स एट लॉड ऑफ फैक्टर्स सो ai is that sector in computer science that emphasizes the creation of intelligence machines like that work operate and react like human beings ai is used in decision making by machines considering real time scenario right so can ai replace humans at work एंड आई थिंक येस ए आई कैन रिप्लेस ह्यूम एटवर्क कई सारे ऐसे काम हैं जिसको रिप्लेस किया जा सकता है जहाँ पर यू नो आप मशीन से काम करा सकते हो उनको छुट्टी नहीं चाहिए उनको ब्रेक नहीं चाहिए ये थाट प्रोसेस है पर बहुत सारी जॉब्स को ए आई जो है वो रिप्लेस कर सकते हो और इवन ह्यूमन्स को भी ये रिप्लेस कर सकता है और इसने ऑलरेडी रिप्लेस करना चालू कर दिया जैसे मैंने शुरू में बताया था डेटा एंट्री जॉब्स कंटेंट राइटिंग जॉब्स यू you नो know, प्रूफ रीडिंग जॉब्स तो ऐसी जॉब्स कि यू नो ऑलरेडी डिक्लाइन है बिकॉज स्टार्टेड विद जो मीडिया छोटी छोटी कंपनीज हैं उन, उन्होंने तो उसको यूज करना भी और ये जो एपीआई है ये भी ओपनली अवेलेबल कर दी गई है जहां पे आप जितना लेट से किसी मैन पावर को पे करोगे उससे कई ज्यादा कम कॉस्ट में आप ए आई के थ्रू अपना वो काम करा सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई सारी जॉब्स जो हैं वो एब्सोल्यूटली खत्म हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज uh, में भी कई सारी इंडस्ट्रीज में भी जो ह्यूमन लेबर है उसका काम जो है वो नहीं बचेगा हाउ एवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ए आई इज नॉट नेसेसरी डिजाइन टू रिप्लेस डॉ बट रेदर टू यू नो इम्प्रूव दी ऑटोमेटिव रिपीटेटिव बट इन शॉर्ट यू नो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये है कि आपको ऐसी uh, मतलब जो एक आपने एक चीज़ सुनी होगी टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं जैसे चेंज कैसे होती हैं एक टाइम था जहां पे इट वॉज मोर ऑफ ऑफलाइन राइट बट एक टाइम आया जहां पे इट्स मोर ऑफ ऑनलाइन तो जिन कंपनीज ने स्विच किया ऑफलाइन से ऑनलाइन वो कहीं और पहुंच गई राइट बट जो इंडस्ट्रीज ने ऑप्ट नहीं किया राइट ऑनलाइन वो या तो वहाँ तक लिमिटेड रह गई या फिर एकदम डिक्लाइन भी हो गए तो बेसिकली होता क्या है कि आप अगर बात करो तो विद टाइम चीजें एंड टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही होती है मैं एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं राइट उन्होंने जब वो शुरू में स्टार्ट करते हैं माइड बी देर लर्निंग पी और डॉट नेट और यू uh, नो you know, जॉब और C++ बट अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे तो वो काफ़ी बड़ी लैंग्वेज में पाइथन पे काम कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और जिनको पाइथन और ब्लॉकचेन आती है उनके पास बहुत सारी ऑपरचुनिटी है उसी सेम तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ए भी यही है इट्स न्यू टेक्नोलॉजी जिसने सीख लिया इससे रिलेटेड चीज़ें उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और जो वही ओल्ड पैटर्न पर रह गया उसके लिए कहीं कही ना कहीं वो जॉब रिप्लेस हो जाएगी मैं इसको एम से भी कोरिलेट करके समझाती हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टाइम था जहां पे मुझे नहीं लगता कि एमबीए ग्रेजुएट्स को लैपटॉप की जरूरत पड़ती थी या फिर पर हमने वे टाइम देखा कि यू नो सबको रिक्वायरमेंट विदा मतलब एक आपका पेन आपका यू you नो know, जो है वो औजार कहलाता था बट अब पेन नहीं अब आप लैपटॉप आपका औजार है मतलब आई थिंक इफ यू डोंट हैव दैट गैजेट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अब आपके पास फोन नहीं है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बट यू नीड टू सी आप दो साल पहले जो टीवी वी पर आर देख रहे थे दस साल पहले जो देख रहे थे वॉशिंग पाउडर निर्मा और अभी में बहुत फर्क है राइट तो वो अडाप्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स है जो काफी इमर्जिंग है जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एंड साइटिस ए एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जनरल एंड ऑपरेशन मैनेजर्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड एनालिस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बिग डेटा स्पेशलिस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट आई टी सर्विसेज राइट वन फोर्टी थ्री मिलियन अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कमिटेड यू नो दैट दिस इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि ये जो है वो टॉप टेन एमर्जिंग स्ट्रीम्स हैं आने वाले टाइम में और अगर हम बात करें टॉप 10 डिक्लाइनिंग में डेटा एंट्री खत्म हो जाएगा अकाउंट बुक कीपिंग पेरोल क्लर्क्स खत्म हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्जिक्यूटिव सेक्यूटीज असेंबली एंड फैक्ट्री वर्क्स क्लाइंट इंफॉर्मेशन कस्टमर सर्विस वर्कर्स बिजनेस सर्व एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स मटीरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग क्लर्क जनरल एंड ऑपरेशन मैनेजर्स पोस्टल सर्विसेज